नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति से रिलेटेड एक खबर आ रही है जो कि अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ी हुई है। दरअसल आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि एक न्यूज आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की कोर्ट ने, राउंड एवेन्यू कोर्ट जो है, वहाँ से जमानत मिल गई है। वहाँ की जो वैकेशन जज हैं न्याय बिंदु, उन्होंने इनको बेल दे दी है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें कि बेल मिल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल दोस्तों, जब इनको बेल मिली थी अरविंद केजरीवाल जी को, तो ईडी ने वहां पर विरोध दर्ज कराया था कोर्ट के सामने और बोला था कि 48 आवर्स का हमें टाइम दे दीजिए। और ये बोलने के बाद जब बेल दे दी गई, तो फिर ये ईडी गई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, और वहां पर इनकी बेल जो दे दी गई उसके अगेंस्ट में अपने तर्क दिए, सारी बातें बताई और कोर्ट के द्वारा स्टे ले लिया गया कि इनको बेल जो मिली है उस पर स्टे दे दीजिए ताकि ये जेल से बाहर ना आ पाएँ। और उसका जो आधार वहाँ पे बताया, जो वहाँ पे रीजन दिया ईडी ने, वो ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनका जो मोबाइल है उसका ये पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जब पासवर्ड बता देते तो हमें चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती। कहते हैं, ईडी का कहना है कि जो 100 करोड़ रुपए मिला हुआ है आम आदमी पार्टी को, उस पैसे का यूज गोवा में चुनाव के समय पे किया गया था और ये ईडी के पास पक्का सबूत है। और जब कोई भी व्यक्ति अगर न्याय के लिए सहयोग नहीं करता है तो उसका अपने आप में एक आधार बन जाता है कि उसे बेल ना दी जाए। ये चीज़ समझ में आई हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जो बेल मिली हुई थी, जो जमानत मिली हुई थी, उस पर स्टे लगा दिया गया। दोस्तों, एक चीज़ और भी समझने वाली बात है, अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी जल्दी बेल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अभी आपने देखा होगा 10 मई को अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई थी सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, और ये 2 जून तक बाहर ही घूम रहे थे, कैंपेन कर रहे थे और अच्छे से कैंपेन किया, फिर उसके बाद ये जेल गए। अभी ये सोचिए, वो बेल मिलने के बाद अभी ये 2 जून को ये जेल गए भी नहीं थे कि इन्होंने अप्लाई कर दिया था फिर से। और जब अप्लाई किया था तो इन्होंने एप्लीकेशन में ये लिखा था कि हमको 7 दिन के लिए बेल और दे दी जाए जिससे कि मैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा लूँ। ये बात है 2 जून को, जब ये जेल गए उससे पहले की इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगा दी थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब आप बाहर घूम रहे हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, आपको बेल की और क्या ज़रूरत है। लेकिन ये क्या है कि कोर्ट के साथ भी एक तरह से कहते हैं कि खिलवाड़ करना, जो लेके पहुंच गए अपना बेल, ठीक है, वहाँ पे तो खैर उनकी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, उस पर बेल नहीं दिया गया। लेकिन साथ ही में एक और एप्लीकेशन लगाई गई रेगुलर बेल के लिए, पहली वाली थी मेडिकल के लिए, दूसरी थी रेगुलर बेल के लिए। तो वही जो रेगुलर बेल के लिए लगाई गई थी एप्लीकेशन, उसी पे जो ये जज साहिबा हैं न्याय बिंदु जज, ये इन्होंने इस पे बेल दे दी। ये तो जब बेल दे दी तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने स्टेटमेंट देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि ये सत्य परेशान नहीं हो सकता है, सत्य की विजय होती है, इस तरह के जो स्लोगन होते हैं नॉर्मली पॉलिटिशियंस के, वो सारे वो देने लगे, लोकतंत्र बच गया और ये हो गया, इस तरह के स्टेटमेंट आने लगे। लेकिन अब सोचिए कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, अब उनका कोर्ट को लेकर के क्या स्टैंड रहता, अब ये देखने वाली बात होगी। क्या अभी भी वो जो अभी तक बातें बोल रहे थे कि लोकतंत्र बच गया और ये सारी चीज़ें, तो क्या अभी भी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब वो बेल मिल जाने के बाद अब उनकी रोक लग गई, तो अब तो जेल में ही रहेंगे। अब देखना ये है कि क्या करते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं विक्रम चौधरी, इन्होंने भी कोर्ट में अपनी भरपूर ताकत लगाई और पूरी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करी ईडी को, लेकिन ये कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। ये भी अपनी दलील वहाँ पर देते रहे कि
ईडी जो है ये इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। ये एक अपने मतलब ऐसा समझ लीजिए कि किसी के कहने के आधार पे काम कर रहा है। लेकिन ईडी का भी जो कहना था वो भी सही था। ईडी का भी कहना ये था कि जो केजरीवाल के ऊपर जो केस चल रहा है वो पामला एक्ट के तहत चल रहा है। पामला का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत इनके ऊपर केस लगाया गया। उसका सेक्शन 45 है और ये बहुत ही हार्श सेक्शन होता है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको बेल मिलती नहीं है। पामला का केस बहुत ही अलग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है, तो उसमें मिलता नहीं है बेल। तो वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने ईडी ने बताई। तो ईडी को भी जब अपनी बातें रखने का मौका मिला तो उन्होंने रखी और कोर्ट को उन्होंने कन्विंस भी किया और कोर्ट को भी लगा कि नहीं, जो ईडी बात बोल रही है ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेल में ये टाइम इनको मिल जाएगा और ये खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई सपोर्ट किया नहीं। भाई इनको अपने मोबाइल का पासवर्ड देने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर आपने कुछ किया नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, तो आपको दे देना चाहिए ताकि आपको आराम से बेल मिल जाए, आपके ऊपर से केस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन नहीं, आपको भी मज़ा आ रही है कि नहीं हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब कुछ चीज़ें छुपाने के लिए होती हैं तो लोग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि मैं अपना कोई अगेंस्ट में नहीं हूँ अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी तरीके से, मैं एक जस्ट इंफॉर्मेशन जो है बस वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर कोर्ट को लगेगा जब तो वो इनको बेल दे भी देंगे, और इससे पहले दी भी है अरविंद केजरीवाल जी को बेल, और वो खैर ठीक है, जब मिलनी चाहिए तो मिल गई, लेकिन जब कोर्ट को लग रहा है नहीं मिलनी चाहिए तो इन्होंने स्टे भी लगा दिया। आखिर एक कोर्ट ने दे भी दी थी, लोअर कोर्ट ने दे दी, फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।